दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको टाटा मोटर्स की तरफ से लॉन्च होने वाली एक और नई कार के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि भारत में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको इस कार की प्राइस और सभी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और ये कार है टाटा पंच ईवी। टाटा मोटर्स ने हाल ही में नेक्सॉन और नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट लॉन्च की है। इसके अलावा कंपनी टाटा पंच ईवी लॉन्च करेगी। इसे आने वाले त्योहारों की सीजन में लॉन्च किया जाएगा, जो कि अक्टूबर के अंत में हो सकती है। यह अपनी फाइनल टेस्टिंग फेज में है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर इससे जुड़ी पूरी जानकारी सामने आना बाकी है, लेकिन कुछ चीज़ों का पता चल चुका है। ये इलेक्ट्रिक माइक्रो एसयूवी टाटा के जेन 2 ईवी आर्किटेक्चर पर तैयार की गई है, जो मूल रूप से अल्फा प्लेटफॉर्म का मॉडिफाइड वर्जन है। इसके पावर ट्रेन में लिक्विड कूल बैटरी और परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर होगी, जो आगे की व्हील्स को पावर देगी। टाटा की अन्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के समान पल्स ईवी में दो बैटरी पैक विकल्प और कई चार्जिंग ऑप्शन हो सकते हैं। टाटा पल्स ईवी में इसकी पेट्रोल मॉडल की तुलना में कुछ अलग डिजाइन एलिमेंट्स मिलेंगे, जो इसे ईवी के तौर पर स्थापित करेंगे। स्पाई तस्वीरों से पता चला है कि इसमें LED हेडलैम्प क्लस्टर और ईवी स्पेसिफिक फ्रंट ग्रिल मिलेगी। इसके साथ ही पल्स ईवी पहली टाटा ईवी कार होगी जिसमें फ्रंट बम्पर पर चार्जिंग सॉकेट मिलेगा। एलॉय व्हील का डिजाइन भी अलग होगा। इलेक्ट्रिक एसयूवी स्टैंडर्ड पर 4 डिस्क ब्रेक से लेस होगी। अगर केबिन के अंदर की बात करें तो केबिन के अंदर कर्व कॉन्सेप्ट से प्रेरित 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील होगा, जिसके केंद्र में टाटा का लोगो होगा। ये ऐसा ही लोगो होगा जो नई नेक्सॉन फेसलिफ्ट में देखा गया है। हाई ट्रिम्स में संभावित रूप से 12.3 इंच से टचस्क्रीन एनवायरनमेंट यूनिट मिलेगा, जबकि मिड लेवल के वेरियंट में आपको 10.25 इंच की ही यूनिट मिल सकती है। तो इस नई टाटा पंच ईवी के बारे में आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।